नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल। अब क्रिसमस है तो उस पर फोटोशूट तो बनता ही है बच्चों का। आप सभी तो जानते हो कि मेरी टू डॉटर्स हैं, तो मेरी छोटी बेटी का वैसे भी है तो सेकंड क्रिसमस है, पर फर्स्ट क्रिसमस में वो बिल्कुल छोटी थी तो उसका एज मान लिया तो फर्स्ट ही क्रिसमस हुआ, तो उस पर थीम फोटोशूट तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थीम बनाना। थीम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हरा कपड़ा लिया हुआ है, उसको क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मैंने ये ट्रायंगल शेप में मैंने इसको रखा है। अब सेकंड एक और पीस लिया मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा, तो इसका ट्री बना लिया मैंने, इसका क्रिसमस ट्री बना लिया। तो चलिए ये ट्री बन चुका है, तो चलिए अब इसके नीचे की ट्रंक बनाते हैं। तो ट्रंक बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर का एक अपना मफलर लिया हुआ है, तो चलिए इसका हम ट्रंक बनाते हैं। तो ट्रंक ये देखिए, ट्रंक भी बन चुका है, तो हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो चुका है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो चलिए अब इसको डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट के लिए मैंने क्राफ्ट पेपर से कुछ स्टार फ्लावर्स बनाया, छोटे छोटे बनाए, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट जब मैं पास से आपको थीम बताऊँगी तो आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे। तो चलिए अब हम इसको ट्री को डेकोरेट करते हैं स्टार्स के साथ, फ्लावर्स के कुछ बेल्स भी मैंने बनाई हैं। तो ये देखिए मैं स्टार वगैरह लगा रही हूँ, ये स्टार मैं इधर जहाँ सेंटा रखूँगी उसके ऊपर स्टार लगा रही हूँ। तो ट्री को मैं फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करूँगी, ये देखिए ये मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे ही हैं, इसलिए आपको दूर से दिखाई नहीं दे रहे होंगे मुझे लगता है, तो जैसे आपको पास से थीम लगेगी आपको खुद को दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए ट्री हमारा मैंने छोटा ही बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, और मेरी थीम बिल्कुल सिंपल है, आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ये कॉटन ली हुई है, कॉटन से मैं स्नो बनाऊंगी। अब क्रिसमस है तो क्रिसमस में स्नो भी तो पड़ती ही है, तो ये देखिए अब मैं स्नो इसको थोड़ी थोड़ी इसको पीसीस लेके मैं स्नो बना रही हूँ। ये देखिए अब के पहले क्रिसमस ट्री पे स्नो पड़ेगी, फिर थोड़ा सा पूरी थीम पे थोड़ी थोड़ी करके स्नो में डालूंगी। ये देखिए आप लोग खुद देखिए। तो अगर आपको ये मेरी थीम अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना जरूर जरूर कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने स्नो भी डाल दी है। तो अभी चलिए अब हम डेकोरेट करते हैं ट्री को। ट्री को डेकोरेट करने के लिए मैंने लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए अब लाइटिंग ऑन करते हैं, तो देखना ट्री एकदम अच्छा लगेगा हमारा। तो ये देखिए हमारा ट्री ऑलमोस्ट डेकोरेट हो चुका है, हमारी थीम आधी रेडी हो चुकी है। हमारा क्रिसमस सबसे पहले होता क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री बन चुका है। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारे गिफ्ट्स, गिफ्ट्स भी तो बनते ही हैं। तो चलिए अब हम गिफ्ट बनाते हैं। गिफ्ट के लिए मैंने अपना दुपट्टों का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए अब हम ये देखो एक दुपट्टे से मैंने गिफ्ट बना लिया, ये देखिए अपने रेड कलर के उस लैस को मैंने क्रॉसिंग कर ली हुई है, और सेकंड वाला गिफ्ट भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये मैं अपने स्टॉल यूज़ कर रही हूँ, तो ये मैं स्टॉल के साथ सेकंड गिफ्ट बनाऊंगी, सेम जैसे मैंने फर्स्ट गिफ्ट बनाया। स्केयर में मैंने ऐसे इसको स्केयर मैंने रखा है स्केयर में। तो ये देखिए गिफ्ट बन चुका है, तो अब इसको रैप करने के लिए मैं वायर का इस्तेमाल करूंगी। तो ये देखिए मैं वायर का इस्तेमाल भी मैंने कर लिया, तो बस वायर से क्रॉसिंग कर ली है। और सेकंड गिफ्ट भी बनेगी, ज़्यादा गिफ्ट नहीं बनाऊंगी, बस टू ही गिफ्ट बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारे गिफ्ट भी रेडी हैं, हमारी थीम ऑलमोस्ट नहीं कह सकते पर आधी रेडी हो चुकी है। मेन होता है क्रिसमस पे ट्री, क्रिसमस ट्री रेडी है, उसका ट्री भी डेकोरेट हो चुका है। तो अब क्या रह गया, हमारे सेंटा की थैली जिसमें वो गिफ्ट्स भर भर के लाएगा। तो गिफ्ट मैंने डाल दिए हैं, अब उसको चॉकलेट्स वगैरह के साथ भी डेकोरेट कर रहे हैं हम। ये देखिए हम चॉकलेट से डेकोरेट मैं कर रही, मैंने चलो चॉकलेट से डेकोरेट करोगे तो सेंटा भी खुश हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए हम मैं चॉकलेट के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस यही, ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस यही अब सेंटा का आना ही बाकी है मेरे। तो बस अब सेंटा को लेके आएंगे तो हमारी थीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए अब चॉकलेट्स भी थैली भी सज चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी अब जी सेंटा दूसरा वाला, असली वाला सेंटा नहीं है, अब नकली वाला सेंटा ही कह सकते हैं, ये भी रख देते हैं इधर।
ये भी सेंटा ही है। तो चलिए अब मैं आपको थीम, मेरी थीम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए स्टार्स वगैरह। तो ये देखिए हमारा ट्री कितना सुंदर लग रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये क्रिसमस ट्री कैसा लगा। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। अब सेंटा का आना, पर सेंटा बहुत ही शैतान है, वो इतना एडजस्ट नहीं होगा, बट उसको एडजस्ट करना ही है। तो चलिए अब हम अपने सेंटा को लेके आते हैं, उसको रेडी करते हैं और लेके आते हैं अपने सेंटा को। तो देखिए हमारा सेंटा भी आ चुका है। ये देखिए सेंटा तो लाइटिंग को रे, बस उसको लाइटिंग ही चाहिए, लाइटिंग को टच करने में चला हुआ है। तो ये देखिए बैठा नहीं है सेंटा, बैठ जाएगा, लेटा नहीं है सेंटा। तो ये देखिए अब सेंटा की शैतानियाँ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सेंटा हमारा, सेंटे को इस बार लेटना नहीं है, बोल रहा था मैं बैठना और थाला मैंने खुद ही खाली करना है। तो ये देखिए हमारा नॉटी सा सेंटा कैसा लगा आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखिए वो भी देख रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी थीम अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत फ्रेंड्स। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो उसके कुछ फ़ोटोशूट्स भी मैंने लिए हुए हैं। अब रोज तो क्रिसमस आती नहीं है, तो फ़ोटोशूट तो बनते ही बच्चे के, और बच्चे के हमेशा रैंडमली क्लिक ही होते हैं कि बच्चे फोकस पे तो नहीं खिंचवाते हैं अपने फ़ोटो। तो मैंने बोला चलो रैंडमली क्लिक ही ले लेते हैं, एज ए मेमोरी बनती है। तो ये देखिए उसके मैंने सारे रैंडमली क्लिक लिए हुए हैं, कुछ अच्छी भी आई हैं कुछ नहीं भी, पर बच्चों की सारी अच्छी होती हैं पिक्स। वो तो आप लोगों को भी पता है कि बच्चों की कोई भी गंदी पिक्स नहीं होती है। तो ये देखिए कुछ स्माइल करके आई हैं, कुछ रैंडमली क्लिक आई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा थीम, मेरा फ़ोटोशूट का आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस अगेन टू ऑल।